लोकतंत्र में इसका जगह नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है भैया। बिहार विधानसभा में आज शाम जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। यह हंगामा इतना बढ़ गया कि हाथापाई और मारपीट की नौबत आ गई। मजबूरन विधानसभा अध्यक्ष को मार्शल के अलावा भारी सुरक्षा बल बुलाना पड़ गया। बताया जा रहा है कि स्पीकर भी अपने कमरे में बंधक बने रहे। दरअसल विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पास हुआ है। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में विशेष सशस्त्र विधेयक पर चर्चा की जा रही थी, तभी विपक्षी विधायक विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर तक पहुंच गए, विधेयक की कॉपी छीनने की कोशिश करने लगे। इस दौरान सुरक्षा बलों और विधायकों के बीच हाथापाई भी हो गई। स्पीकर के चैम्बर को विपक्षी विधायकों ने घेर लिया और जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर अपने कमरे में बंधक बने हुए देखे गए। स्पीकर के चैम्बर के बाहर विपक्षी विधायकों को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। विपक्षी विधायकों ने पुलिस वालों से धक्का मुक्की भी की है, लेकिन जब मामला बिगड़ गया तो अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाना पड़ गया। कई विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। विधेयक का विरोध कर रहे विधायकों ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। विधायक सत्येंद्र कुमार की माने तो पुलिस अधीक्षक ने उन्हें छाती पर मारा है और बिहार विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई है। इससे पहले मंगलवार सुबह भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पटना में पुलिस के साथ झड़प की थी। बिना अनुमति के विधानसभा का घेराव करने पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जमकर पथराव किया था, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। आरजेडी ने तेजस्वी और तेज प्रताप के नेतृत्व में मार्च निकाला था। पुलिस ने इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। न्यूज़ डेस्क।